everyone, a very good evening to all of you. So my dear students, how are you all? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कैसे हैं. I hope each and every one of you is very fine. सभी लोग बहुत अच्छे हैं. कुछ ही दिन अब बस SBI क्लर्क के प्री एग्ज़ाम में बचे हुए हैं. टेंशन नहीं बढ़नी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए. आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहना चाहिए बिकॉज आई नो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई नो दैट ऑल ऑफ़ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको बहुत सब कुछ पता है, बहुत सारा हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हैं. तो दैट इज़ डेफिनेट कि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है. सो हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉप 120 रूल्स सीरीज़. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने सारी के सारे रूल्स वाली क्लासेस पहले अटेंड की हैं और जिनको बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है कंप्लीट ग्रामर में. आई एम प्रिटी श्योर जितने बच्चे हैं जिन्होंने पिछले के सारे पार्ट्स टॉप 120 रूल्स के देखे हैं उनको कॉन्फिडेंस बहुत बहुत आया होगा. अब हम आज अगली क्लास पे आ जाते हैं. रूल नंबर 104 से आज हम स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 104, लेट अस सी व्हाट इट सेज. रूल नंबर 104 इज अबाउट पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स की पोजिशन क्या होती है, एडवर्ब्स को हम कहाँ लगाते हैं. बहुत बार हमारे एग्ज़ाम्स में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हम देखते हैं जहाँ पे एरर क्या होती है, जहाँ पे एरर सिर्फ इतनी सी होती है कि एडवर्ब को उसकी गलत जगह पर लगाया होता है, एडवर्ब को सही प्लेस पे नहीं लगाया होता. सो व्हाट डज दिस रूल सेज, ये रूल क्या कहता है कि एडवर्ब की जो पोजिशन होती है इट कैन बी 3 प्लेसेस. एडवर्ब को हम 3 जगह लगा सकते हैं. कौन कौन सी वो 3 जगह हैं जहाँ पे हम एडवर्ब को लगा सकते हैं. पहली जगह हम स्टार्ट सेंटेंस की बिगिनिंग पे लगा सकते हैं, हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब्स को लगा सकते हैं. दूसरा, हम एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा सकते हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से जस्ट पहले हम एडवर्ब को लगा सकते हैं. तीसरी जगह जहां हम एडवर्ब को लगा सकते हैं दैट इज़ एट द लास्ट, हम एडवर्ब को लास्ट में भी लगा सकते हैं. इन तीनों जगह के अलावा हम एडवर्ब को नहीं लगाते हैं. तो इफ़ आई राइट अ सेंटेंस, अब ये बात हुई, पहले से पहले एक बात और कर लेते हैं. ये बात क्या हुई स्टूडेंट्स कि हम एडवर्ब को कहाँ लगा सकते हैं. अब एक बात आती है, हमें एरर फाइंड आउट करना होगा. तो ये चीज़ मुझे कैसे हेल्प कर रही है एरर फाइंड आउट करने में, मुझे कैसे पता चलेगा कि उस पार्ट में एरर है. तो मुझे ये ऐसे पता चलेगा, अगर मुझे एडवर्ब किसी सेंटेंस में दे रखा है, अगर मुझे किसी सेंटेंस में एडवर्ब दे रखा है और वो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लगा हुआ है, यहाँ पे एडवर्ब दिखा हुआ है. हमने कुछ पेपर्स एनालाइज किए थे प्रीवियस ईयर पेपर्स से जिसमें हमने देखा कि 4-5 बार एक क्वेश्चन आया था और हर बार प्लेस कहाँ था एडवर्ब का, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में था. इसका मतलब क्या है, एरर है. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड एडवर्ब कैन नेवर बी प्लेस्ड, एडवर्ब को आप कभी भी नहीं लगा सकते मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में. यही हमारा ये रूल है, नोट करते हुए चलिएगा कि एन एडवर्ब कैन नेवर बी प्लेस्ड, एडवर्ब को हम कभी भी नहीं लगा सकते बिटवीन द मेन वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. एडवर्ब को आप मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी नहीं लगा सकते. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स. देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे. मैंने एक सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा वो सेंटेंस हमारा सही है या गलत है. मैंने लिखा ही कम्स Often to my house. अब ये जो often है ना, ये कौन सा एडवर्ब है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है. अब देखो गड़बड़ है, कम्स कौन सा है, मेन वर्ब है. अब एडवर्ब जो है मेन वर्ब के बाद में कभी नहीं लगता, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब कभी भी नहीं लगता। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस हमारा गलत है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अगर मुझे इस सेंटेंस को सही करना है मैं कैसे करूँगी, ही ऑफन कम्स टू माई हाउस, वो मेरे हाउस बार बार बहुत बार आता है। तो ये ऑफन को मैंने कहाँ प्लेस किया, इस ऑफन को मैंने इस कम्स से पहले प्लेस किया। मेन वर्ब से पहले हम एडवर्ब को लगा सकते हैं, या फिर बिल्कुल स्टार्ट में लगा सकते हैं, या फिर बिल्कुल एंड में लगा सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के पहले या मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम कभी भी एडवर्ब को नहीं लगा सकते। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा ही टेल्स always the truth. Now this sentence is wrong. Why is this sentence wrong? क्योंकि always हमारा एक adverb है। अब ये जो adverb है ये main verb और object के बीच में नहीं लग सकता, तो इस sentence को हम सही कैसे करेंगे, He always tells the truth. अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। आई होप सभी को ये समझ में आया कि मेन वर्ब की पोजीशन क्या होती है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन, देन वी विल मूव अहेड। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। आई होप नहीं होगा, वैसे हमने बस बहुत सिंपल सी बात डिस्कस की है कि एडवर्ब को कभी भी हम मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगाते हैं। एंड जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें और आज हमारे पास क्लास में बहुत सारे बच्चे आप आ जाएं। 1000 तो पहुंचना चाहिए आज भी, क्योंकि ये सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे टॉप 120 रूल्स का। इसके बाद एक और क्लास होगी और आपका टॉप 120 रूल्स फिनिश हो जाएगा, आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको आते होंगे अगर आपने सारी की सारी वीडियोस देखी होंगी तो। चलिए कॉपी कर लिया, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट अगला रूल, रूल नंबर 105। रूल नंबर 105 भी हमारा एडवर्ब्स की पोजीशन से ही रिलेटेड है। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि जब भी हम एडवर्ब्स को लगा रहे हैं, व्हेनेवर वी आर प्लेसिंग एडवर्ब्स। सबसे पहले तो इस रूल की तरह ये समझते हैं कि हमारी 3 तरह की एडवर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी वो 3 एडवर्ब्स होती हैं? एक होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। मैनर, वो काम कैसे किया, स्लोली किया, फास्ट किया, ब्यूटिफुली किया, वो काम कैसे किया, तरीका बताता है ये कि वो काम कैसे हुआ, हाउ का आंसर देता है। प्लेस, वो काम किस जगह पर हुआ, यहाँ पर हुआ, वहाँ पर हुआ, वेयर। और टाइम, वो काम कब हुआ, व्हेन। प्लेस हमें वेयर का आंसर देता है, टाइम हमें व्हेन का आंसर देता है। आई होप सभी को ये चीज़ पता है। अब जब भी हम एडवर्ब्स को लगाते हैं और मुझे तीनों के तीनों एडवर्ब्स दे रखी हैं, उस केस में हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं। इन दैट केस वी फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और वो ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर इज मैनर सबसे पहले आता है, प्लेस उसके बाद में आता है और टाइम उसके बाद में आता है। मतलब जो हमारा ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, हमारा ऑर्डर हो जाता है एम पी एंड टी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई वॉक्ड येस्टरडे स्लोली। नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। Why is this sentence wrong? क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 एडवर्ब्स हैं, एक है yesterday और एक है slowly। ये कौन सा एडवर्ब है, ये टाइम का एडवर्ब है, ये मुझे बता रहा है कब। ये slowly कैसे, how का आंसर दे रहा है, ये मैनर का एडवर्ब है। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर क्या होता है, पहले मैनर आता है फिर उसके बाद टाइम आता है। तो इस सेंटेंस को मैं सही कैसे कर सकती हूँ, हाउ कैन आई करेक्ट दिस सेंटेंस? दिस सेंटेंस वुड बिकम आई वॉक्ड स्लोली yesterday। I walked slowly yesterday. I hope rule number 105 is clear to all. जब भी आप adverbs को place करोगे आप उन्हें इस order में place करोगे, manner, place and time. Please note it down, note कर लीजिए. आई होप सभी को समझ में आ रहे हैं रूल्स. दोनों ही रूल्स, रूल नंबर 104 और 105, दोनों ही हमारे एडवर्ब से रिलेटेड थे. कमिंग टू रूल नंबर 106 ना, 106 पर आते हैं. रूल नंबर 106 हमें दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बताता है. हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है वेरी और एक वर्ड होता है मच. वी हैव टू वर्ड्स, वी हैव अ वर्ड वेरी एंड वी हैव अ वर्ड मच. दोनों ही वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ज़्यादा. बट इन दोनों के दोनों वर्ड्स का यूसेज जो होता है या फिर सेंटेंस में हम इन्हें जैसे यूज़ करते हैं वो अलग अलग होता है. अगर मैं वेरी की बात करूं तो मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या ऐसे लिखती हूँ, इसे मैं ऐसे लिखती हूँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर मैं मच की बात करूँ मैं इसे कैसे लिखूँगी, ही इज़ मच इंटरेस्टेड. मतलब वेरी को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? वेरी इज़ यूज विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वेरी को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ. मच को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? मस्ट को हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, मतलब या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ या फिर हम मच को यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ. कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कैसे यूज़ करते हैं? मैं क्या लिखूँगी, ही इज़ मच वीकर देन श्याम. ही इज़ वेरी वीकर देन श्याम विल बी रॉन्ग. अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री बतानी है और बताना है कि वो बहुत ज़्यादा ही वीक है तो हम वहाँ पे वेरी का यूज़ नहीं करते. जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं वी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज़ मच विद इट. उसके साथ हम हमेशा और हमेशा मच यूज़ करते हैं, हम कभी भी वेरी यूज़ नहीं करते. वेरी को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. हम सभी को पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है. मच को हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज़ करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. तो वेरी को आप V1 प्लस ING के साथ यूज़ करोगे, मच को आप V3 और कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ करोगे. एंड दिस इज रूल नंबर 106. नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 107. रूल नंबर 107 देखने में तो बहुत छोटा सा रूल है बट एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और हम वहाँ एग्ज़ाम के स्ट्रेस में इस रूल को ध्यान नहीं दे पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल डिस्ट्रीब्यूट दिस या ही विल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स between 4 PM to 5 PM. Now if I ask you, इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? सेंटेंस ही विल डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन 4 PM to 5 PM. नाउ देयर इज एन एरर. क्या एरर है? या तो आप बिटवीन के साथ क्या लगाओ, एंड लगाओ, या फिर आपको अगर टू ही लगाना है तो वहाँ वाला वर्ड क्या करोगे, फ्रॉम लगो करोगे. बिटवीन के साथ जो वर्ड यूज़ होता है वो एंड होता है, फ्रॉम के साथ जो वर्ड यूज़ होता है वो टू होता है। तो क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है, या तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है जहाँ पे हम कर दें फ्रॉम 4 PM टू 5 फ्रॉम 4 PM टू 5 PM, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, इस बिटवीन को वैसा का वैसा रहने दें और इस 2 को हम चेंज करके कर दें एंड 5 PM। क्यों? क्योंकि बिटवीन के साथ हमेशा एंड कनेक्टर आता है और फ्रॉम के साथ हमेशा जो कनेक्टर आता है वो TO2 होता है। SBI क्लर्क के 2016 के पेपर में ये चीज़ पूछी गई थी, इट वॉज आस्ट। यही एरर था कि बिटवीन के साथ उन्होंने 2 लगाया हुआ था, जबकि बिटवीन के साथ एंड लगता है। प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। आई होप सभी ने नोट कर लिया है। रूल नंबर 108 की तरफ पढ़ते हैं। Let us see now what is rule number 108। Rule number 108 क्या कहता है? Rule number 108 ये कहता है कि हमारे कुछ nouns होते हैं, we have certain nouns जो कि हमारे uncountable होते हैं, we have certain nouns जो कि हमारे uncountable होते हैं। but uncountable होते हैं इसका मतलब क्या है, उनके साथ हम s और es नहीं लगा सकते, उन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम एस और ई एस नहीं लगा सकते। व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों नहीं लगा सकते उन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एस और ई एस? द रीज़न इज़ क्योंकि जब उनको काउंट ही नहीं कर सकते तो सिंगुलर और प्लूरल बनाने का क्या मतलब है? मैं किसी चीज़ को काउंट ही नहीं कर सकती तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है? लेकिन आप देखोगे उनके साथ एस और ई एस लगाया जाता है, बट उसका मीनिंग उसका प्लूरल नहीं होता। उस केस में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उस केस में उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे आप एस और ई एस लगाते हो तो मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है, वो उसका प्लूरल नहीं होता और हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है इन चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है एडवाइस। एडवाइस का मीनिंग क्या होता है? किसी को सजेशन देना। वी ऑल नो वेरी वेल, एडवाइस का मीनिंग होता है किसी को सजेशन देना। हमने पढ़ा भी था कि ये जो एडवाइस है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है मतलब एडवाइसेस जो है इसका प्लूरल तो नहीं होता, एडवाइसेस जो है इसका प्लूरल तो नहीं होता, बट एडवाइसेस वर्ड एग्जिस्ट करता है। आप बिल्कुल आंख बंद करके एग्जाम में आपको दिखा एडवाइसेस, आप बोलोगे निमिषा मैम ने तो बताया था कि एडवाइस का प्लूरल नहीं होता तो ये एरर है। नहीं, एडवाइसेस होता है, एडवाइसेस का मीनिंग चेंज हो जाता है। एडवाइसेस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इन्फॉर्मेशन हो जाता है। एडवाइसेस का मीनिंग क्या हो जाता है? इन्फॉर्मेशन हो जाता है। प्लूरल नहीं बना क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो नहीं बन सकता, बट मीनिंग ही चेंज हो गया, मीनिंग इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसको प्लूरल बना के लिखा हुआ है या इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। अगर इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है तो ये सही है, लेकिन अगर एडवाइस का प्लूरल की तरह यूज़ किया हुआ है तो वो गलत है। और देखते हैं ऐसे वर्ड्स, एयर। एयर अनकाउंटेबल नाउन है। एयर का मीनिंग भी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज एयर। आप बोलोगे एयर्स नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर एयर का मैं प्लूरल बोलूँ कि एयर का प्लूरल एयर्स होता है, नहीं होता, बट एयर्स होता है। एयर्स का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्राउड, घमंडी होना। बोलते नहीं हिंदी में अभी मैनी टाइम सेड, देखो वो कितनी हवा में है। अब हवा तो अनकाउंटेबल है तो कितना हवा, कितनी हवा कैसे लगा दे? कितनी तो काउंटेबल चीज़ों के साथ लगाते हैं ना, कितनी बुक्स, कितनी पेन्स, कितनी हवा। मतलब एयर्स, एयर्स का मतलब होता है घमंड, प्राउडी बिहेवियर ऑफ समवन, ही इज़ इन एयर्स राइट नाउ। मतलब वो आजकल हवा में है, मतलब आजकल वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो रखा है। इस एयर्स का मीनिंग इस एयर से एकदम डिफरेंट है, कोई भी लिंक नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम देखने को मिलते हैं हमें, इम्पॉर्टेंट वंस आई एम टेलिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, ये सभी को पता होगा, वुड अनकाउंटेबल है लेकिन वुड्स होता है। इस वुड का मतलब है टिम्बर और इस वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। आयरन अनकाउंटेबल है लेकिन आयरन्स होता है। इस आयरन्स का मतलब क्या होता है? फेटर्स, चेन्स, जिसको हम बोलते हैं हथकड़ियाँ, जंजीरें। आयरन्स, ये आयरन्स इस आयरन का प्लूरल नहीं है, ये अपने आप में ही अलग वर्ड है जिसका मतलब है जंजीरें, जिसका मतलब है फेटर्स, चेन्स। कलर, कलर्स हम सभी को पता है कलर्स का मीनिंग क्या होता है, कलर्स का मीनिंग फ्लैग्स भी होता है, कलर्स का मीनिंग फ्लैग्स भी होता है। फिर बहुत सारे वर्ब्स के आगे भी हम एस लगा के नाउन बना देते हैं, जो हमने पढ़ी भी थी पिछले रूल्स में, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, सेविंग्स। तो जनरली जब हम एस लगाते हैं किसी वर्ड के आगे, ज़रूरी नहीं है कि हम उसका प्लूरल ही बना रहे हों, हो सकता है हम कोई एक नया नाउन भी बना रहे हों जिसका मीनिंग एकदम उसके विदाउट एस वाले वर्ड से अलग हो। तो एकदम आंख बंद करके नहीं रहने देना है कि नहीं इस वर्ड का तो प्लूरल होता ही नहीं है इसलिए एस और एस लगा हुआ है तो ये गलत है, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कहीं कोई दूसरा वर्ड तो नहीं है। आई होप ये रूल सभी को समझ में आया, एक बार नोट कर लीजिए, नोट करते चलिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एग्जाम से एक रात पहले तो सारे के सारे रूल्स जहाँ आपने लिखे हैं वो रिवाइज ही करने पड़ेंगे। वीडियो सारी नहीं देख पाओगे, 10-12 घंटे की वीडियोज़ हो गई होंगी, 8-10 घंटे की तो हो गई होंगी, वीडियो सारी नहीं देख पाओगे, बट कॉपी में लिखा हुआ होगा तो जल्दी जल्दी रिवाइज सभी लोग कर पाएंगे। अगले रूल पे बढ़ते हैं, रूल नंबर 109। लेट अस सी व्हाट डज रूल नंबर 109 से। 109 कहता है कि हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो गलत होते हैं और हम उन्हें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई एम एन इंग्लिश टीचर, वॉट इज इट सेंटेंस इज करेक्ट, इज दिस सेंटेंस करेक्ट, आई एम एन इंग्लिश टीचर। अगर क्या मैं अपने लिए इंग्लिश टीचर बोल सकती हूँ? हाँ, ये सेंटेंस सही है, किसी और के लिए सही है बट मेरे लिए सही नहीं है, मैं इंग्लिश टीचर नहीं। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या है ऐसा समझ में आएगा अगर मैं ऐसे आप लोगों को बताऊं। गोल्ड रिंग का मतलब क्या होता है? गोल्ड रिंग का मीनिंग क्या होता है? गोल्ड रिंग का मीनिंग होता है ऐसी रिंग जो गोल्ड से बनी है, ऐसी रिंग जो गोल्ड से बनी है। इंग्लिश टीचर का क्या मतलब हो गया? ऐसा टीचर जो इंग्लिश में बना है या इंग्लैंड में बना है। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अ टीचर हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लिश टीचर का मतलब इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर नहीं होता है, इंग्लिश टीचर का मतलब होता है पर्सन हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, अ टीचर हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। सो आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लैंड, आई एम फ्रॉम इंडिया, सो आई कैन नॉट यूज़ दिस फ्रेज विद मी, मैं इस फ्रेज को अपने साथ यूज़ नहीं कर सकती, दिस इज़ रॉन्ग। क्या आएगा? आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, दिस इज रॉन्ग फॉर मी, वैसे ही करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने लगा ही इज़ अ मैथ्स टीचर, ही इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर, अब ये मैथमेटिक्स टीचर एकदम गलत है क्योंकि कोई भी टीचर मैथ्स में बना नहीं हो सकता या मैथ्स से बना हुआ नहीं हो सकता, तो ही इज़ अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते होंगे कि ये हमारे फिजिक्स टीचर हैं, ही इज़ आर फिजिक्स टीचर, ही इज़ आर मैथ्स टीचर, ही इज़ आर रीजनिंग टीचर, ये सारे के सारे फ्रेजेस आप एकदम गलत यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स वर गोइंग टू द टेम्पल, उसके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स टेम्पल जा रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, मुझे जो याद है एग्जैक्टली वो ये याद है, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है? यहाँ पे इस पार्ट में गड़बड़ है। जैसे इंग्लिश टीचर तो होता है, मैथ्स टीचर नहीं होता, रीजनिंग टीचर नहीं होता, ऐसे ही फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकता। मेंबर्स जो फैमिली से बने हैं या वो फैमिली जो मेंबर्स से बनी है, इस फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या हुआ? वो मेंबर्स जो फैमिली से बने हैं, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसका सही फॉर्म क्या था? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। इसका सही फ्रेज क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि फैमिली मेंबर्स जैसा भी कोई वर्ड नहीं होता है। इंग्लिश टीचर जैसा वर्ड होता है बट उसका मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। मैथ्स टीचर, रीजनिंग टीचर जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। सिमिलरली बहुत बच्चों को मैंने यूज़ करते हुए सुना है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर भी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है. द वर्ड इज व्हाट? द वर्ड इज पिक पॉकेट. हमारा जो वर्ड होता है वो पिक पॉकेट होता है. सिमिलरली कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, ये भी कोई वर्ड नहीं होता है. हमारा जो वर्ड होता है वो क्या होता है? कजिन होता है. कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं होता है. ये सारे के सारे वर्ड्स हम इनको बोल सकते हैं दे आर सुपरफ्लूअस. कजिन में ऑटोमेटिकली आ गया ब्रदर या सिस्टर. पिक पॉकेटर तो कोई वर्ड ही नहीं होता है. फैमिली मेंबर्स तो कुछ होता ही नहीं है. इंग्लिश टीचर तो होता है बट इसका मीनिंग एकदम अलग होता है. एक बार नोट कर लीजिए फिर हम रूल नंबर 110 पे बढ़ेंगे. आई होप सभी को समझ में आ रहा है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 110. लेट्स से सी व्हाट डज रूल नंबर 110 सेज. मैंने एक सेंटेंस लिखा, एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी, और एक सेंटेंस लिखा वन शुड डू His duty. क्या ये दोनों सेंटेंसेस मेरे सही हैं? Tell me fast. जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस मेरे सही हैं? नहीं, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस मेरे सही नहीं हैं. दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत हैं. यहाँ पे हमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें जो यहाँ पे जो हमने ये एडजेक्टिव लगाया है वो हमें कौन सा लगाना चाहिए. अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये प्रोनाउन है. नहीं बच्चों, बट ये एडजेक्टिव है. वो वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. किसकी ड्यूटी? उसकी ड्यूटी. किसकी ड्यूटी? उसकी ड्यूटी. पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये दोनों के दोनों. तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है अगर वन यूज हो रखा है सब्जेक्ट में तभी वंस लगेगा. अगर सब्जेक्ट में वन यूज हो रखा है तभी वंस लगेगा. अगर वन नहीं है, कुछ और है, एवरी है, ईच है, एवरी वन है, ईच वन है, तो उस केस में आप क्या लगाते हो? उस केस में हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो हिज को देते हैं. तो अगर मुझे ये दोनों सेंटेंसेस ठीक करने हैं मैं कैसे करूँगी? एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी. ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस हमारे ठीक हो गए. बहुत सिंपल सा छोटा सा रूल है बट बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है. वन अकेला आएगा तभी आप वंस लगाओगे, अदरवाइज आप वंस कभी नहीं लगाते. आप हमेशा क्या लगाते हो? आप हमेशा हिज या हिज लगाते हो. एवरी वन के केस में भी और ईच के केस में भी, एवरी के केस में भी, ईच वन के केस में भी, यू ऑलवेज यूज द वर्ड हिज. तो एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी. या फिर अगर सेंटेंस ऐसे होता एवरी गर्ल, अब यहाँ पे ऐसे आ रहा था एवरी गर्ल शुड डू, अब यहाँ पे आ जाता हर, एवरी गर्ल शुड डू हर. अब यहाँ पे क्लियर हो गया जेंडर, तो अब वहाँ पे हर लगा दोगे. बट जेंडर क्लियर नहीं है तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? तो हम प्रायोरिटी हिज को, ही को या फिर हिज को देते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. आई होप ये सारे के सारे रूल्स आप सभी को समझ में आ रहे हैं. कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछते रहिएगा. नहीं पूछ पा रहे हैं कॉमेंट कर दीजिएगा. और इस वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए. शेयर दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल सो दैट बहुत सारे बच्चे आज क्लास में आ सकें और हम टीचर्स को भी मोटिवेशन मिल सके कि आज हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. नेक्स्ट अगले रूल पर आ जाते हैं, दैट इज रूल नंबर 111. लेट्स सी व्हाट डज दिस रूल सेज. ये रूल कहता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताइएगा वो सेंटेंस सही है गलत है. नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्क. इज दिस सेंटेंस करेक्ट? no less than 50 students completed the work. No, this sentence is not correct. ये sentence हमारा गलत है. यहाँ पे less नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, fewer आएगा. तो एक तो than लग रहा है, इसका मतलब क्या comparative degree आएगी. मैंने एक और sentence लिखा, there is no fewer than 5 liters of water. अब ये सेंटेंस भी गलत है. वाटर की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, मतलब fewer यहाँ पे नहीं आएगा. यहाँ पे आने वाला वर्ड क्या होगा, less होगा. वेरी इंपॉर्टेंट रूल नोट कर लीजिएगा कि जब भी ऐसा कंपैरिजन होता है, अगर मेरी जो यूनिट है वो काउंटेबल है, अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो काउंटेबल है, तो हम उस केस में हमेशा जो वर्ड लगाते हैं वो फ्यूअर लगाते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 10 15 20 कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं. आई कैन काउंट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेस नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, फ्यूअर. अब जिस चीज़ को मैं काउंट नहीं कर सकती, इफ़ माई सब्जेक्ट इज़ अनकाउंटेबल, तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, तब हम वहाँ पे वो वर्ड जो वर्ड यूज़ करते हैं वो लेस यूज़ करते हैं. तो देयर इज़ नो लेस देन 5 liters ऑफ वाटर इन द बकेट, इन द वेल, आप कुछ भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे आने वाला वर्ड क्या आएगा, लेस आएगा. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैम वाटर की बात नहीं हो रही, मैम लीटर्स की बात हो रही है, और लीटर्स तो हमने काउंट कर लिया. कितने बच्चों को ये डाउट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि मैम वाटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लीटर्स की बात हो रही है, लीटर्स को काउंट कर लिया तो फ्यूअर सही था. नहीं नहीं नहीं, मेन ये लीटर्स भी किसके हैं, वाटर के हैं. एंड वाटर क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे फ्यूअर नहीं आएगा, यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा वो लेस होगा. फ्यूअर नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे लेस वर्ड आएगा. आई होप सभी को ये रूल भी समझ में आया हो. किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए. नहीं है, चलिए नेक्स्ट रूल पर आगे बढ़ जाते हैं. Let us look at rule number 112 now. 112 rule देखते हैं. Rule number 112, दो words के बीच का difference है. The first word is elder and the second word is older. Elder और older में क्या difference है? मैंने एक sentence लिखा, मुझे बताइएगा क्या वो sentence सही है या वो sentence गलत है. मैंने sentence लिखा, A friend of mine in the office, या फिर a friend of mine in my company is elder than me. Is this sentence correct? अगर मैं general case की बात करूँ तो company में friend रिश्तेदार तो नहीं होगा, और elder हम किसके लिए use करते हैं, elder हम use करते हैं someone who is in our family. elder हम ऐसे इंसान के लिए use करते हैं जो हमारी family में होता है. अब ये जो elder है ये हमारी family में तो नहीं है, family में नहीं है, friend company में जो है वो family में नहीं होगा, और जो लोग family में नहीं होते, नॉट इन फैमिली, और वो बड़े हमसे होते हैं, उस केस में या जनरल केस में हम क्या यूज़ करते हैं, ओल्डर. तो यहाँ पे एल्डर जो है हमारा गलत है. यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो एल्डर नहीं होगा, वो ओल्डर होगा. अ फ्रेंड ऑफ माइन इन माई कंपनी इज़ ओल्डर दैन मी. एल्डर आप किसके लिए यूज़ करोगे, एल्डर आप यूज़ करोगे फैमिली रिलेशंस के लिए. जो आपके फैमिली में लोग हैं वो आपसे एल्डर हैं, वो जो आपसे बड़े हैं. बट अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हो, जो आपकी फैमिली में नहीं है जो आपकी फैमिली में नहीं है, अगर आप उसके लिए बात कर रहे हो तो उस केस में आप एल्डर को नहीं लगाओगे. उस केस में जो आप वर्ड लगाओगे दैट विल बी ओल्डर, वो वर्ड आपका ओल्डर होगा. नाउ एक क्वेश्चन देखो, एल्डर और ओल्डर के साथ ये चीज़ भी हमेशा याद रखना, एल्डर और ओल्डर के साथ क्या लगता है, THAN देन लगता है. इनके साथ टू नहीं लगता. तो किन वर्ड्स के साथ लगता है, जो IOR से एंड कर रहे होते हैं। ये हमने पिछले रूल में भी पढ़ा था, एक पहले रूल्स जो हमने पढ़े हैं सीरीज में उसमें भी पढ़ा है, जो वर्ड्स IOR से एंड करते हैं उनके साथ टू लगता है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इन सभी के वर्ड्स के साथ ये वर्ड्स IOR से एंड हो रहे हैं, इनके साथ टू लगता है। ये दोनों तो IOR से एंड नहीं हो रहे ना, तो इन दोनों के साथ कभी टू नहीं लगता, इन दोनों वर्ड्स के साथ हमेशा THAN बैन लगता है। वी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज THAN बैन विद दीज वर्ड्स। अब इस कैटेगरी में हमारे पास दो वर्ड्स और आते हैं। कौन कौन से वो दो वर्ड्स हैं? एक वर्ड होता है अलाउड और एक वर्ड होता है लाउडली। स्पीक अलाउड, स्पीक लाउडली। कैन एनीवन टेल मी कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ये बता सकते हैं? यस, प्लीज टेल मी। दो वर्ड्स अलाउड और लाउडली दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मैंने बोला स्पीक लाउडली, मैंने बोला स्पीक अलाउड, प्लीज बी अलाउड, प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज बी लाउड। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? लाउडली का मतलब क्या है? तेज बोलो। ऑडिबल का मतलब क्या है? इतना तेज बोलो कि सुनाई दे। अलाउड का मतलब क्या है? कि इतना बोलो कि ऑडिबल हो जाओ, कि सुनाई दे। और लाउडली का मतलब क्या है? हाई टोन, हाई पिच में बोलो, तेज बोलो, हाई वॉल्यूम में बोलो। दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग एकदम अलग अलग है। अलाउड का मीनिंग क्या हो गया? ऑडिबल, जो सुनाई दे। और लाउडली का मीनिंग क्या हो गया? हाई वॉल्यूम में बोलना। तो अगर एक सेंटेंस अगर सपोज एग्जाम में आता है, क्या सेंटेंस आता है कि आई कैन नॉट हियर यू, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, प्लीज़ स्पीक अलाउड या लाउडली? द बेटर वर्ड इज़ व्हाट? अलाउड। मतलब मुझे सुनाई दे, इतना तेज़ आप बोल सकते हैं क्या? और प्लीज़ स्पीक लाउडली मतलब आप क्या हाई वॉल्यूम में आप और तेज़ बोल सकते हैं। सही दोनों हैं बट दोनों का मीनिंग एकदम अलग अलग है। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को इस रूल नंबर 112 में। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे, फिर ऐसे एक वर्ड होता है हार्ड और हार्डली। ये दोनों का मीनिंग भी एकदम अलग अलग होता है। इस हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन। दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड नाउ अ डेज। और इस हार्डली का मीनिंग क्या होता है? बहुत मुश्किल से। हार्डली डिड आई एंटर द क्लास व्हेन इट बिगैन टू रेन। हार्डली डिड ही फिनिश द वर्क व्हेन हिज टीचर स्कोल्डेड हिम। हार्डली मतलब मुश्किल से मैं क्लास में एंटर ही हुई थी कि बारिश होने लगी। मुश्किल से उसने काम पूरा ही किया था कि उसके टीचर ने उसे डांटना शुरू कर दिया। हार्ड इट इज़। और ये दोनों के दोनों ही हमारे क्या हैं? हार्डली क्या है और ये हार्ड क्या है? कहना ऐसे हार्डली जो है एडवर्ब है, हार्डली जो है एडवर्ब है। और हार्ड क्या है? हार्ड जो है एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन। अब हार्ड एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकता है, एडवर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। ही वर्क्स हार्ड, कैसे वर्क करता है? हार्ड वर्क करता है। वर्क क्या है? वर्ब। और जो वर्ड मुझे वर्ब के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो ही वर्क्स हार्ड किसका रोल प्ले किया? एडवर्ब का। दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन किसका रोल प्ले किया? एडजेक्टिव का। तो हार्ड तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, लेकिन हार्डली केवल और केवल एडवर्ब है। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर क्लर्क एग्जाम। आई होप सभी का SBI क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा हो। कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को देना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दोना, बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करके दोगे बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, आपको सारे के सारे ग्रामर रूल्स पता हैं। तो ग्रामर जो 10 to 12 मार्क्स की आएगी उसमें तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने ही आने चाहिए। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू, बाय बाय।